गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बेट ट्रेनिंग। बेट ट्रेनिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बेट ट्रेनिंग एंड डिसएडवांटेज ऑफ बेट ट्रेनिंग। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज में है फर्स्ट पॉइंट हमारा जो इंक्रीज स्ट्रेंथ। जब हम बेट ट्रेनिंग करते हैं तो बेट ट्रेनिंग डेवलप एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ, यानी कि क्या करता है बेट ट्रेनिंग डेवलप एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ, यानी कि बॉडी के अंदर बेट ट्रेनिंग करने से हमारी बॉडी के अंदर ताकत आती है। नाउ डिसएडवांटेज, फर्स्ट हम एडवांटेज देख ही लेते हैं सारे एडवांटेज। नाउ सेकंड पॉइंट इज इंप्रूव्स डाइट। बेट ट्रेनिंग हेल्प टू इंप्रूव एप्टीट्यूड एंड डाइट ऑफ एन इंडिविजुअल। प्रत्येक इंडिविजुअल को इम्प्रूव होता है जब वो वेट ट्रेनिंग करता है, तब डाइट, जब हम एक्सरसाइज करेंगे या वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हमारी डाइट भी उसी हिसाब से हो जाती है। इम्प्रूव डाइट, डाइट्स में इम्प्रूव होता है। नाउ थर्ड पॉइंट, इंक्रीजेस एंड्योरेंस। इंक्रीजेस एंड्योरेंस। वेट ट्रेनिंग करने से क्या होता है, एंड्योरेंस हमारी इंक्रीज हो जाती है। वेट ट्रेनिंग शेड्यूल आल्सो हेल्प टू इंक्रीज एंड्योरेंस। मोर ओवर एवरी टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज इंप्रूव, स्टैटिक स्ट्रेंथ, मैक्सिमल स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। वेट ट्रेनिंग, डू द वेट ट्रेनिंग इंक्रीज द एंड्योरेंस बॉडी के अंदर। एंड्योरेंस दैट्स मीन इज धैर्य होता ना एक तरीके का, जो वर्ड होता है हमारा पेशेंस, धैर्य। उसी तरीके स्पोर्ट्स में इंक्रीजेस होता है कि जब अगर हम लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक एंड्योरेंस चाहिए होता है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। नाउ फोर्थ पॉइंट इज इंप्रूव पोस्चर। पोस्चर, बॉडी पोस्चर, ठीक है, इंप्रूव पोस्चर लिखा हुआ है, इंप्रूव पोस्चर दैट्स मीन इट बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर थ्रू बेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, गुड पोस्चर, गुड शेप ऑफ बॉडी एंड गुड बॉडी स्ट्रक्चर कैन बी अचीव। जब हम बेट ट्रेनिंग करते हैं तो एक हमारा बॉडी शेप, बॉडी स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है, इम्प्रूव होता है, शेप में आ जाता, बॉडी हमारी कैसी हो जाती है, शेप में आती है। पोस्चर दैट मीन इट ढंग, यानी एक ढंगी बॉडी बोलते हैं जिसे ढंगी, एंड सिटिंग पोजीशन हमारी करेक्ट होनी चाहिए, वॉकिंग पोजीशन हमारी करेक्ट होनी चाहिए, द वॉकिंग पोजीशन इज करेक्ट, सिटिंग पोजीशन इज करेक्ट एंड लेग पोजीशन। तो इम्प्रूव पोस्चर वेट ट्रेनिंग करने से हमारे पोस्चर भी इम्प्रूव हो जाता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज कंट्रोल्स बॉडी वेट। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी का अंदर का जो फैट है एज ए कैलोरी हम उसको बर्न कर देते हैं। वेट ट्रेनिंग हेल्प टू रिमूव बॉडी फैट, मोरओवर इट हेल्प टू कंट्रोल द बॉडी वेट। जो बॉडी के अंदर जो फैट होता है, फैटी बॉडी होती है, वो हमारी किस में
एज ए कॉलोरी कैलोरीज में बर्न हो जाते हैं। जो भी हम कैलोरीज लेते हैं, जो भी हम डाइट लेते हैं, उसे बर्न करना पड़ता है, बर्न हो जाते किसे, वेट ट्रेनिंग से। इंक्रीजेस बोन डेंसिटी, इंक्रीजेस बोन डेंसिटी, इंक्रीजेस बोन डेंसिटी। वेट ट्रेनिंग इंक्रीजेस द बोन सिटी, बोन डेंसिटी, दस बोन्स बिकम स्ट्रॉन्ग, दस बोन्स बिकम स्ट्रॉन्ग। इंक्रीजेस बोन डेंसिटी, डू द वेट ट्रेनिंग हेल्प इंक्रीजेस बोन डेंसिटी एंड बोन्स बिकम स्ट्रॉन्ग। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ वेट ट्रेनिंग। एंड नाउ स्टार्ट डिसएडवांटेज ऑफ वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग सब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ वेट ट्रेनिंग, फर्स्ट पॉइंट इज सपोर्टर रिक्वायर्ड। सपोर्टर रिक्वायर्ड, जब हम वेट ट्रेनिंग करेंगे विदाउट एनी सपोर्टर, विदाउट एनी हेल्पर, हम वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे। अगर विदाउट एनी सपोर्टर, विदाउट एनी हेल्पर अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आप इंजर्ड हो सकते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या होता है, सपोर्टर रिक्वायर्ड। अगर आप रिक्वायर नहीं करेंगे सपोर्टर को या फिर किसी हेल्पर को, तो आप इंजर्ड हो सकते हैं ड्यूरेशन वेट ट्रेनिंग। यू आर इंजर्ड इंजर्ड ड्यूरेशन वेट ट्रेनिंग। नीड वेट ट्रेनिंग इक्विपमेंट, नीड वेट ट्रेनिंग नीड वेट ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स, नीड वेट ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स। वेट ट्रेनिंग नीड स्पेशल टाइप्स ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड वेट ट्रेनिंग मशीन्स विद आर एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू अरेंज और परचेज वेरियस मेंबरशिप टू द जिम कैन बी एक्सपेंसिव। जब हम वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हमें एक स्पेशल टूल्स चाहिए होता है वेट ट्रेनिंग करने के लिए, स्पेशल इक्विपमेंट्स चाहिए होता है हमें स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, इंड्योरेंस इंक्रीज करने के लिए, तब जाके हमारी वेट ट्रेनिंग पूरी होती है। इंजरीज आर कॉमन, इंजरीज आर कॉमन, इंजरीज आर कॉमन। वेट ट्रेनिंग ड्यूरेशन ऑफ वेट ट्रेनिंग इंजरीज आर कॉमन, इंजरीज होनी ही होनी। वेट ट्रेनिंग ऑफन कॉजेज इंजरी लाइक क्रैम्प्स, इंजरी कौन सी होती है, क्रैम्प्स। स्ट्रेन, एंड स्पैन, स्पैन यानी कि तनाव खिंचाव, मसल्स का तनाना, मसल्स का खिंच जाना या खुरच जाना। तो इट इज द इंजरी ऑफ वेट ट्रेनिंग, ड्यूरेशन वेट ट्रेनिंग। ये मस्ट ही, अगर विदाउट एनी सपोर्टर अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो ये इंजरीज कॉमन हो जाती है होना वेट ट्रेनिंग में। विदाउट एनी सपोर्टर, विदाउट एनी हेल्पर, यू डू द वेट ट्रेनिंग, इंजरीज आर कंफर्म, इंजरीज कंफर्म।
इंजरी कैसी हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी विदाउट एनी हेल्पर एंड सपोर्टर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हिंडर, हिंडर ग्रोथ, इंडस ग्रोथ। अगर टीन एज पे या चिल्ड्रंस टीन एज पे एंड अगर वुमेन्स पे मैच्योर नहीं है, एमोचर लेवल का ह्यूमन बॉडी है, अगर वेट ट्रेनिंग करता है, ओवर वेट लेता है, तो हिंडर ग्रोथ हो जाती है, यानी कि ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ नहीं होगी, चाहे वो ग्रोथ बॉडी ग्रोथ हो या फिर हाइट में हो, वो ग्रोथ नहीं होगी, यानी कि हाइट भी आपकी रुक जाएगी, बढ़ना बंद हो जाएगा, बॉडी का ग्रोथ भी हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो दैट्स मीन इट इन द ग्रोथ। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज स्टेरॉइड कॉमनली यूज्ड, स्टेरॉइड कॉमनली यूज्ड। कोचेस एंड ट्रेनर्स ऑफ वेट ट्रेनिंग ऑफन रिकमेंड स्टेरॉइड एंड ग्रोथ हार्मोन्स फॉर फास्टर ग्रोथ। ग्रोथ हार्मोन को एकदम ग्रोथ करने के लिए जो हमारे कोचेस होते हैं और ट्रेनर्स होते हैं वो क्या रिकमेंड कर देते हैं, स्टेरॉइड, जिससे बहुत सारी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत सारी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक हार्ट अटैक आना। फर्स्ट पॉइंट होता है हार्ट अटैक आना, हार्ट का वेट बढ़ जाना, ये हमारी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। और स्टेरॉइड लेने से फर्स्ट ऑफ ऑल जो इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे वो हमारी हार्ट पे पड़ता है, हार्ट का वेट अधिक हो जाता है, उस वेट अधिक होने के कारण हार्ट अटैक मस्ट हो जाता है। बॉडी बिल्डर्स, न्यू एज बॉडी बिल्डर्स यानी 25 ईयर 30 ईयर्स बॉडी बिल्डर्स एक्सपायर हो जाते हैं, बिकॉज क्योंकि वो ओवरडोज स्टेरॉइड लेते हैं बॉडी को ग्रो करने के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नीड गुड कोच। कैसा कोच हमें रखना चाहिए, नीड गुड कोच, एक अच्छे कोच की जरूरत होती है। गुड कोच इज मस्ट फॉर वेट ट्रेनिंग, शेड्यूल अकॉर्डिंग टू नीड एंड रिक्वायरमेंट। वेयर इज रॉन्ग और अनट्रेंड कोच मे कॉजेस प्रॉब्लम टू इंडिविजुअल। एक अकेले को अगर कोई अच्छा कोचेस नहीं रखते, एक अकेले को वो इंजर्ट करवा सकता है, क्योंकि उसे उतनी नॉलेज नहीं होती है, और उस रीजन से बॉडी में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो नीड्स गुड कोच। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नीड्स प्रॉपर डाइट फॉर परफॉर्मिंग वेट ट्रेनिंग। अगर हम वेट ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रॉपर एंड बैलेंस्ड डाइट इज मस्ट, अदरवाइज इट इज लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मुझे एक प्रॉपर डाइट की नीड होती है, अदरवाइज इट्स लीड्स टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, नहीं तो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इट इज द दिस इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेट ट्रेनिंग।
नाउ लास्ट पॉइंट, नॉट रिकमेंडेड फॉर कार्डियक पेशेंट, नॉट Not recommended for cardiac patient. These exercises are not recommended for cardiac patients as weight training increases blood pressure. अगर किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, किसी इंडिविजुअल को कार्डियक प्रॉब्लम है, तो कोच और ट्रेनर उस पर्सन को रिकमेंड नहीं करेगा. किसके लिए? फॉर वेट ट्रेनिंग. वेट ट्रेनिंग के लिए वो रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि जब डू द एंड परफॉर्म द वेट ट्रेनिंग ब्लड प्रेशर इज हाई. अगर कार्डियक पेशेंट अगर वेट ट्रेनिंग करता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा. ब्लड प्रेशर हाई होने से उसकी डेथ हो सकती है. सो नॉट रिकमेंडेड इट फॉर कार्डियक पेशेंट. तो इट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वेट ट्रेनिंग एंड ना एंड एडवांटेज ऑफ वेट ट्रेनिंग. Now explain again advantage and disadvantage of weight training. Advantage, first हम देखेंगे advantage में. Talk to about advantage. It increases strength. जब हम weight training करेंगे तो must है, अगर हम weight लेते हैं तो body strength बढ़ेगा, body में ताकत आएगी. And improved diet. जब हम weight training करेंगे या फिर कोई exercise करते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो रिक्वायर करेगा किसके लिए? डाइट के लिए. इंक्रीजेस एंड्योरेंस. एंड्योरेंस दैट्स मीनिंग लॉन्ग रनिंग, जैसे कि रेसेस होती हैं, लॉन्ग वर्क के लिए एडवांटेज वर्क करता है हमारा. इंक्रीजेस एंड्योरेंस, हमारी जो धैर्यता होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि हमारा जो ब्रीथलेसनेस होता है वो नेस हो जाता है. जो हमारी सांस फूलने, जैसे कि थोड़ा वर्कआउट करने के बाद जैसा लगता है कि हमारी सांस फूल जाती है, ब्रीथ हम हाँफने लगते हैं, तो वो हमारी इंक्रीज हो जाती है. इम्प्रूव पोस्चर, यानी कि इम्प्रूव बॉडी पोस्चर, हमारा जो बॉडी पोस्चर होगा, बॉडी का ढंग होगा, यानी कि चलने का ढंग, उठने का ढंग, बैठने का ढंग, लेटने का ढंग, तो ये हमारा कैसा होता है? इम्प्रूव हो जाएगा. बॉडी पोस्चर हमारा कैसा? कुछ गुड हो जाएगा, बेल हो जाएगा. बॉडी का सेप हमारा बहुत ही अच्छा हो जाता है. कंट्रोल बॉडी वेट, जो भी हम फैटी चीज़, ऑयली चीज़ जो लेते हैं, जो भी हम कैलोरीज लेते हैं, वो हमारी वेट ट्रेनिंग करने से कंट्रोल हो जाती है. इंक्रीज बोन डेंसिटी, और हमारी बोन्स भी मजबूत हो जाती है. नाउ डिसएडवांटेज, सपोर्टर रिक्वायर्ड. विदाउट एनी सपोर्टर रिक्वायर्ड डू द एंड परफॉर्म द वेट ट्रेनिंग बिकम, तो आप इंजर्ड हो सकते हैं, बिकम इंजर्ड. नीड वेट ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स, नीड वेट ट्रेनिंग गुड इक्विपमेंट्स. अगर हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट्स चाहिए, नहीं तो इंजरीज आर कॉमन. इंजरीज होना मस्ट हो जाता है. हिंडर ग्रोथ्स, अगर टीन एज पे या फिर फीमेल्स में या फिर चिल्ड्रंस में अगर हम ओवर वेट देते हैं वेट ट्रेनिंग का, तो उनकी ग्रोथ कैसी हो जाती है? स्टॉप हो जाती है. उनकी हाइट पे इफेक्ट पड़ेगा और बॉडी कभी ग्रोथ नहीं करेगी. स्टेरॉइड्स कॉमनली यूज्ड, कभी कभी कोचेस और जो भी ट्रेनर्स होते हैं रिक्वायर्ड कर देते हैं, रिकमेंड कर देते हैं कि आप स्टेरॉइड लीजिए, लेकिन स्टेरॉइड लेने से हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम होती है वो हम सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है इसका हार्ट पे.
हार्ट पे इफेक्ट पड़ना आते हैं, दैट्स मीन इट हार्ट अटैक का आना कॉमन हो जाता है। नीड्स गुड कोच, एक ऐसा कोच रखना चाहिए जो हमें सही से वेट ट्रेनिंग करवा सके जिससे हम इंजर्ड ना हो। नीड्स प्रॉपर डाइट, हमें एक प्रॉपर डाइट का शेड्यूल बनाना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए फॉर वेट ट्रेनिंग। नॉट रिकमेंडेड फॉर कार्डियो पेशेंट्स, और जो कार्डियो पेशेंट होता है यानी कि जो हार्ट के जो मरीज होते हैं उन्हें कभी रिकमेंड नहीं करना चाहिए। किसके लिए? नॉट रिकमेंड फॉर वेट ट्रेनिंग, क्योंकि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं अगर वो वेट ट्रेनिंग करेंगे तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, और लेकिन ब्लड प्रेशर जो होता है वो हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ही डेंजर होता है। सो टुडेज टॉपिक इज फिनिश। ओके, थैंक यू, गुड बाय।